राजगढ़ जिले के माचलपुर के पास ग्राम पोलखेड़ा में श्मशान के पास अवैध रूप से एकत्रित रेत को एसडीएम व जिला खनिज अधिकारी की संयुक्त कार्यवाही में जब्त की, जो लगभग 250 डंपर के करीब थी। एसडीएम एवं खनिज विभाग राजगढ़ के अनुसार विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि पोलखेड़ा में श्मशान के पास अवैध रेत का भंडारण किया जा रहा है। सूचना पर रेत की जब्ती की, लेकिन सोचने की बात है कि क्या रेत का अवैध भंडारण बिना किसी के साठ गांठ से होना कैसे संभव हुआ। अधिकारी कर्मचारी अवैध उत्खनन कर्ता को क्यों सामने नहीं लाना चाहते हैं, यह भी सोचने वाली बात है। सिर्फ रेत जब्त कर कार्रवाई कर लीपा पोती की गई है। इतना बड़ा अवैध रेत का जखीरा भंडारण कर्ता का कहीं कोई उल्लेख न होना कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आप देख रहे हैं माचलपुर से जिला ब्यूरो चीफ प्रदीप बंसल की रिपोर्ट। साथ ही काम में उपयोग है कि इनको टप्पा जो है उसमें खाली कराया जाता है। लगभग 50-60 जीप होंगे इसमें, अभी कार चालू है। उसके बाद ये पूरा खत्म होने वाली टप्पा हो पाएगा तो फिर किसकी रेट है और अभी जानकारी लगी सर किसकी रेट है? नहीं, कोई आया ही नहीं इसमें यहाँ पे कार्रवाई करने से। आएगा तो उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी। अभी लगभग लावारिस ही मिली। लावारिस आपको जानकारी कैसे लगी? हमारी जानकारी में आया तो यहाँ पे हम लोग आए थे दूर से, हमने देखा था यहाँ पे कि अभी यहाँ खबर पड़ी है, उस पर चर्चा हुई जिला प्रशासन से और कलेक्टर मैडम से, उनके निर्देशानुसार इस पर कार्रवाई की। आपका शुभ नाम? मैं मुमताज खान, माननीय ऑफिसर। क्या है जानकारी? विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ तथा कलेक्टर मैडम को सारे यहाँ पे हम आए थे, ये बारिश पड़ी है, बारिश का कोई बारिश अभी तक नहीं आया, पच्ची कर पर कल तक कोई नहीं आया। सर इसकी बाद में क्या विवेचना होगी कि भाई किसकी है क्या? जैसे माइनिंग